हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब? और आप लोग का कल SST का एग्ज़ाम है और उसकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपका कल का SST का एग्ज़ाम इजी करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने आया हूं और आज ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे आप कल के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स जो हैं स्कोर कर पाएंगे। SST के एग्ज़ाम से पहले, सॉरी, साइंस के एग्ज़ाम के पहले आप लोग के पास मैं आया था, आपके स्क्रीन पर आया था, उसमें भी आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताई थी। जितने क्वेश्चन बताए थे सारे क्वेश्चन उसी में से थे और कहीं से क्वेश्चन नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिस जिसने मेरा वीडियो देखा होगा वो तो कह रहा होगा हाँ भाई, वो तो पक्का करके आया होगा, ठीक है। तो उसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आज भी देने आया हूँ ताकि आप कल के एग्जाम में भी 100% मार्क्स स्कोर कर सके। खैर, SST है, 100% नहीं कर सकते, पर 99% मार्क्स आप पक्का स्कोर कर लेंगे अगर आज का ये जो वीडियो है बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेंगे। अरे भाई, मेरे को तो आपका SST का एग्ज़ाम हलवा लगता है, समझते हो? हलवा समझते हो? बहुत इजी लगता है। आप लोगों का SST का एग्ज़ाम मुझे हलवा लगता है, बहुत इजी लगता है। क्यों? कुछ है ही नहीं, जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो तो आपके टर्म वन में निकल गई, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है आपके SST के सिलेबस में। ज्योग्राफी में 3-4 लेसन ज्योग्राफी के हैं, 2 इको के हैं, 5 हिस्ट्री के और 2-3 सिविक्स के। बताइए क्या है? कुछ नहीं है। उसमें भी आपको पेपर पैटर्न दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, कोई लॉन्ग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, जो जो बताता हूँ उसको फॉलो करिए। कल के मार्क्स में 100% मार्क्स ना आए तो बताना, ठीक है। कल आके आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि आप लोगों को कैसा गया पेपर, ठीक है। साइंस के एग्जाम से पहले भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि मैंने खुद देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, मोस्टली जितने भी एक क्वेश्चन से था जो मैंने नहीं कराया था, बाकी सारे मैंने जो उस दिन आप लोगों को वीडियो स्पेशल जो आपको प्रीमियर लगाया था आप लोग के लिए अपने चैनल पे, उसी में उससे सब कुछ था, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी में से थे, ठीक है। जिसने देखा होगा उसके तो SST में बहुत ही मस्त नंबर आने वाले हैं, उसके तो फुल भी आ सकते हैं, ठीक है, जिसने भी देखा होगा। और एक क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ जो नहीं कराया था वो भी हलवा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग का SST एग्जाम जो है हलवा है, कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला पेपर, पेपर इजी होगा जिस तरह अभी तक सारे पेपर इजी आए हैं, ये वाला भी इजी होगा। जस्ट फॉलो टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स, पक्का अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले टिप्स और ट्रिक्स तो बता ही दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले सुन लीजिए कि आपने आपकी स्क्रीन पे पेपर पैटर्न आ गया है, देखिए जरा आप लोगों की स्क्रीन पे पेपर पैटर्न आ गया है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ये पेपर पैटर्न, इसमें से आपको दिख रहा होगा कि, चलिए जरा मैं इसको पहले पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल बी मच बेटर टू लर्न योर क्वेश्चंस, ठीक है, सिलेबस थ्रू आउट जो प्रॉपर मतलब लर्न करने में आपको आसानी रहेगी। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास ज्योग्राफी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ज्योग्राफी के टोटल 4 लेसन है, राइट। लेसन नंबर 4 नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। इसमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग याद कर लीजिए, बहुत है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और कुछ नहीं आना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से, सिर्फ 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। और वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आ जाएगा कि जलवायु की, जलवायु को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, या फिर हाँ ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको आ जाने वाला है आसान सा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, ओके। उसके बाद है लेसन नंबर 5। लेसन 5 में क्या है, लैंड ऑफ यूज एंड एग्रीकल्चर, ये है, ये वाला लेसन है। इसमें से क्या है, सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना, सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना। आप लोग को स्क्रीन में साफ क्लियर दिख रहा होगा, ये मेरा बनाया हुआ पैटर्न नहीं है, बोर्ड का बनाया हुआ पैटर्न है, ठीक है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है बस। पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, पहले भी मैंने इशू किया हुआ कब का, मतलब मैंने पहले भी इसको बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद 6th लेसन है आपके पास, खनिज पदार्थ और ऊर्जा साधन। तो ये जो खनिज पदार्थ और ऊर्जा साधन है, इसमें से भी आपके 2 मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन आना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन। तो सिर्फ वेरी शॉर्ट ही पढ़ने की जरूरत है इस चैप्टर में से भी। बताओ कितना हलवा यार, मेरे को हंसी आती तुम लोगों के क्वेश्चन पेपर को, ये पैटर्न देख के बताओ, ये मतलब पेपर ऐसे भी वाला कोई पेपर होता है, बताओ सब कुछ बता दिया आपको किस में से क्या करना है, इतना ईजी बताओ बता दिया। देखो अपनी स्क्रीन पे देखो सही है, उसके बाद सुनो। अच्छा, जनसंख्या वाला चैप्टर है पॉपुलेशन, उसमें से 1-1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आने हैं, 1-1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ये आपका ज्योग्राफी का पैटर्न है। उसके बाद में है इको का, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, भारत में खेती का विकास, भारत में खेती का विकास आप लोगों को दिख रहा है। इसमें से क्या है, 4 मार्क वाला एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बताओ भारत में खेती का विकास, 4 नंबर का एक क्वेश्चन बस। उसके बाद में इको का 4th चैप्टर जो है, उसमें से भारत में औद्योगिक विकास,
ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, इसमें आपका 2 मार्क वाला एक क्वेश्चन आना है और 1 मार्क वाला एक क्वेश्चन आना है, बस दैट्स इनफ, कोई लॉन्ग याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये चैप्टर तो है ही हलवा, छोटे छोटे से कुछ भी हैं, कुछ भी करते हैं यार ये लोग, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी करती है बताओ। लेकिन जिस बंदे ने पेपर पैटर्न बनाया गजब है ना ये। उसके बाद चलिए हिस्ट्री भी चलते हैं, तो हिस्ट्री भी अपने पास है गुरु गोविंद सिंह जी वाला चैप्टर। तो गुरु गोविंद सिंह जी वाले में से आप लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैप आने वाला है ना, तो मैप बाद में डिस्कस करते हैं, मैप जो है मैं एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, उसके बाद बंदा बहादुर में से 1 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, बताओ इतना बड़ा चैप्टर सिर्फ 1 मार्क, सिर्फ उसकी वेरी शॉर्ट याद करिए बस। उसके बाद में रणजीत सिंह वाला चैप्टर, रणजीत सिंह जी वाला, उसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, और वो भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको बता दूंगा 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, वो भी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ के आप लोगों ने आंसर लिख देना है, बताओ कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप कॉपी पेस्ट तो कर ही लेंगे उम्मीद है ना, मोस्टली कोई गलत नहीं करेगा उम्मीद है, तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके आगे चलते हैं, रणजीत सिंह जी वाला हो गया अंग्रेज और सिखों का युद्ध, इसमें से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, वेरी शॉर्ट कर लीजिए, दैट्स इनफ, ओके वेरी शॉर्ट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद में है आज़ादी का संघर्ष, आज़ादी के लिए भारतीय पंजाबियों का, या मतलब जो भी है देख लो आपके स्क्रीन पे है अवेलेबल, उसमें तो इसमें से आपका 4 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, तो इसके लिए शॉर्ट प्रिपेयर करिए, ठीक है, इसमें से शॉर्ट प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद में आपके पास आती है सिविक्स, तो सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र, तो इसमें भी 3 लेसन है, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एक क्वेश्चन आना है, और उसका मैं आपको पहले बता दूँ ये लेसन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक नंबर क्वेश्चन आएगा वो आप लोग, मुझे पक्का पता है आप लोग आंसर कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या आएगा कि राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री के लिए, या फिर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, ऐसा कोई आसान सा हलवा सा क्वेश्चन आ जाने वाला है, वो आप लोग पक्का आंसर कर देंगे, मुझे यकीन है। उसके बाद में है सिविक्स का थर्ड लेसन है आपके पास भारतीय लोक, सॉरी 13th लेसन है भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, इसमें से इसमें 4 नंबर आने हैं, राइट, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें भी आप शॉर्ट या लॉन्ग प्रिपेयर कर दिए ना, लॉन्ग शॉर्ट। हाँ, उसके बाद भारत की विदेश नीति, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है भारत की विदेश नीति में, तो इसमें वही पंचशील के सिद्धांत, या फिर विदेश नीति क्या थी, गुटनिरपेक्ष नीति क्या थी, ऐसा क्वेश्चन जो है आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे प्रिपेयर। तो बेटा जी ये आपके क्या था, ये आपका पेपर पैटर्न है, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आसान जो है आपका पेपर है, ठीक है, ये स्क्रीन से हटा देते हैं आपका पेपर पैटर्न। ये तो बेटा इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, इस पेपर पैटर्न को यूज़ करिए, इसके हिसाब से आप क्या है प्रिपेयर करिए, आपके पक्का कल 100% मार्क्स आ जाएंगे, पेपर कोई मुश्किल नहीं आने वाला है, साइंस का एग्ज़ाम आपने देखा है, आप साइंस का एग्ज़ाम फोड़ के आए हैं, इस तरह मैथ का एग्ज़ाम भी हो गया ना, मैथ में भी आप फोड़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे नंबर आएंगे कल के एग्ज़ाम में, जस्ट ये जो आपको पेपर पैटर्न सामने दिखाया मैंने, आप उसको प्रिपेयर करिए, इस SST का सैम्पल पेपर, ये पेपर पैटर्न का लिंक, ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक शांति गैस पेपर है, शांति गैस पेपर का लिंक आपको यहाँ पे शाम तक मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। उससे पहले आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े से, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि थंबनेल में लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक मिनट वेट करिए। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कल एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिल सकता है ये क्वेश्चन। मिट्टी का कटाव क्या होता है, इसके क्षेत्रीय प्रारूप का वर्णन कीजिए तथा मिट्टी संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आ सकता है कि मिट्टी का कटाव क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके क्षेत्रीय प्रारूप का वर्णन तथा मिट्टी संरक्षण के उपाय, मतलब कि मिट्टी को, ये जो मिट्टी कटाव हो रहा है उसको बचाने का उपाय, ये सब लिखना है, तो ईजिएस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक आपको कहा था प्राकृतिक वनस्पति में एक क्वेश्चन बोला था 4 मार्क में, जो क्वेश्चन आना है वो क्या बोल दिया था मैंने कि जैसे कि जलवायु को कौन कौन से तत्व प्रभावित करने हैं, तो वो सॉरी मेरे से गलती से निकल गया, एक्चुअली वो 3rd लेसन का है, जलवायु वाला शायद लेसन है, उसमें क्वेश्चन मैंने बोल दिया, बट वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, उसको मत आप लोग कहीं याद कर लेना, वो मेरे इससे बाय मिस्टेक निकल गया, मैंने एग्जांपल दिया मतलब कि एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 मार्क में, लेकिन वो नहीं था। ये देखिए यहाँ पे आने वाला मिट्टी का कटाव क्या होता है, इसके क्षेत्रीय प्रारूप का वर्णन कीजिए तथा मिट्टी संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप
पहले तो क्षेत्रीय प्रभाव आपको दिख रहा है, मिट्टी के कटाव का देश के अग्रलिखित भागों पर प्रभाव पड़ता है, मतलब कौन कौन से भाग पर प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये देखो, एक तो बाह्य हिमालय क्षेत्रों के प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक कटाव हुआ है, इसके उपजाऊ भूमि को कीचड़ से लादकर कृषि विहीन कर दिया है, मतलब कि जो बाह्य हिमालय के जो क्षेत्र हैं, शिवालिक के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद पंजाब के होशियारपुर, रोपड़ जिले, यमुना, चंबल, माही व साबरमती नदियों के अपवाह क्षेत्र में नालियों व चो ने वनस्पति की कमी कारण भूमि को बंजर बना दिया, बंजर हो गई भूमि। उसके बाद दक्षिणी पंजाब, हरियाणा व पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तर पूर्वी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पवनों ने बंगाल की खाड़ी द्वारा कटाव हुआ है। तो पंजाब, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा वगैरह में इन हवाओं के द्वारा जो है कटाव हुआ है। उसके बाद देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे पश्चिमी बंगाल हो गया, इन जगह, इन सब क्षेत्रों में ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इसी के कारण बाढ़ और नदियों के किनारों की कटाई से सैकड़ों टन बंगाल की खाड़ी में जो मिट्टी है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो ये भी एक वेस्टेज। उसके बाद दक्षिण पूर्वी भारत में मिट्टी का कटाव जो है तीव्र ढलानों, भारी वर्षा और कृषि की गलत ढंग अपनाने के कारण होता है। अब इसको बचाने के उपाय क्या क्या हैं, देखो, एक तो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में जो तेज हवाएं चलती हैं तो उसको कम करने के लिए पेड़ों की लाइनें लगाई जानी चाहिए, ताकि वो क्या करें, हवा की स्पीड को कम कर सके। दूसरा, रेतीले जो टीले होते हैं, जैसे कि आइलैंड्स वगैरह, मतलब रेत जहाँ पे होती है वहाँ पे घास उगाई जानी चाहिए ताकि मिट्टी उड़े ना। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए, ठीक है, मेड़े बनाकर, ताकि जो जल भंडार बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी जो है बहे ना। मैदानी भागों में क्या होता है, वनस्पति उगाई जानी चाहिए, फसल चक्र पाया जाना चाहिए ताकि मिट्टी खराब ना हो, उसमें गोबर वगैरह डाल के खाद वगैरह प्राकृतिक खाद डालते रहना चाहिए। झारखंड सरकार ने छोटा नागपुर के पटारी भाग में स्थानांतरित कृषि के लिए कठोर नियम बनाए थे, ठीक है, तो इस तरह से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। उसके बाद बेटा जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति के लाभों का वर्णन। तो प्राकृतिक वनस्पति के दो लाभ हो सकते हैं, प्रत्यक्ष लाभ और परोक्ष लाभ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ दो तरह के हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कौन से, जो मतलब हम आसानी से, जैसे खैर, सिंगोना, नीम, कोहरा, ये सब औषधियाँ मिलती हैं, वनों से कई प्रकार की लकड़ी मिलती है, मैंग्रोव, ये सब क्या है, आदि के पत्ते छिलके वगैरह सुखाकर क्या होता है, चमड़ा का पदार्थ तैयार किया जाता है। पलाश, पीपल, लाख से, शहतूत से, रेशम से, चंदन से, तुंग तेल और साल से धूपबत्ती बनाया जाता है। ये सब क्या है, हमें जो दिखता है, मतलब हमारे सामने जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो हैं। उसके बाद में आपके पास है परोक्ष लाभ, यानी कि अप्रत्यक्ष लाभ, जिससे हमें पता नहीं लगता, जैसे कि ये क्या करती हैं, जलवायु नियंत्रण रखती हैं, तापमान को कंट्रोल करके रखती हैं, ठीक है, इनकी जड़ें जो हैं क्या करती हैं, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी कटाव को रोकती हैं, वृक्षों की जड़ों से को मजबूत, जकड़न को मजबूत किए रहती हैं, मिट्टी कटाव को रोकती हैं, वनस्पति के सूख कर गिरने से जीवाश्म के रूप में मिट्टी को हरी खाद मिल जाती है ना, तो ये सब क्या है जो हम नहीं देख सकते, वो प्रॉफिट है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता है इसी चैप्टर का, देश में भौगोलिक तत्वों के आधार पर वनस्पति का वर्गीकरण, ठीक है, तो ये देखो, देश में भौगोलिक तत्वों के आधार पर वनस्पति का वर्गीकरण, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो, तीन, चार, चार टाइप के होते हैं ना, पांच टाइप के, उष्ण सदाबहार, पतझड़ी वन, मरुस्थली वन, ज्वारी वन और पर्वती वन, ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, ओके, ये हो गया। उसके बाद में आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है। तो मिट्टी का कटाव कितने प्रकार का होता है, आप सबको पता होगा, ये तीन प्रकार का होता है, सतहदार, नालीदार, खड्डेदार। ये क्वेश्चन मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, पर आ सकता है आप लोगों का ये, ठीक है, क्योंकि क्या है कि चार नंबर में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन छोटा सा। मिट्टी कटाव के कारण पर प्रकाश डालिए, मिट्टी कटाव आपको अभी पढ़े हैं हमने। उसके बाद में अलग अलग आधारों पर भारतीय वनस्पति के वर्गीकरण का उल्लेख, ये भी इजीस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो ये भी आप कर लेना। उसके बाद में मिट्टी के जन्म में प्राथमिक चट्टान का योगदान, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। उसके बाद में पूर्वी हिमालय में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार उद्योगों के लिए जीवनदान का कार्य करती है, वो भी आप करेंगे। विदेशी पौधों से हमें क्या क्या नुकसान है, ठीक है, ये विदेशी पौधों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये कर लेना। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 4 मार्क वाले क्वेश्चन पे। हाँ जी, उसके बाद में आपका हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, लेसन नंबर 9, हिस्ट्री लेसन नंबर 9 से, स्वतंत्रता संघर्ष वाले में से। तो ये देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1857 ईस्वी में पंजाबी सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह का वर्णन करो। तो ये बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरठ से आरंभ हुआ था, ठीक है, लाहौर तक पहुंच गया था और पंजाब में भी विद्रोह जो भड़कने लगा और मियांवाली छावनी की पंजाबी सैनिकों को शस्त्रहीन कर दिया गया था। यहाँ इसके बाद लाहौर, पेशावर, नवांशहर, मुल्तान, अम्बाला, जालंधर, रावलपिंडी, इन सब जगहों में जाकर के क्या किया था, शस्त्र छीन लिए गए थे। फिर पंजाब की पूर्वी क्षेत्रों में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जालंधर, फिलौर, झेलम वगैरह में क्या हुआ था कि सियालकोट हो गया, सियालकोट, थानेश्वर सैनिक विद्रोह हुए और अन्य सभी महत्वपूर्ण छावनियों में क्या हुआ, कुछ पंजाबी सैनिकों ने विद्रोह किया और कई सैनिकों ने अपने ही कमांडरों की हत्या कर दी थी। उसके बाद में है 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए किया गया विद्रोह असफल क्यों रहा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करेंगे आप। उसके बाद में है आपके पास पंजाब में आर्य समाज द्वारा किए गए कार्य, ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी ने पंजाब में आज़ादी के लिए क्या क्या यत्न किए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जलियांवाला बाग की, एक बार दिख रहा है आप लोग को, ये जलियांवाला बाग की दुर्घटना के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत लहर, ये भी पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। गुरु का बाग घटना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका आता है फोर मार्क का क्वेश्चन, साइमन कमीशन पर नोट लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा। उसके बाद में प्रजामंडल, ये तो नहीं है आपके पास में। नौजवान भारत सभा, ये इंपॉर्टेंट है, नौजवान भारत सभा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको चार मार्क्स में आएंगे। उसके बाद में आर्य समाज ने पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ठीक है जी। और आपके पास एक कामागाटा मारू जहाज वाला, ठीक है, ये भी करेंगे, कामागाटा मारू जहाज, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ये कई बार आ चुका है पेपरों में। उसके बाद में आपके पास है एक आज़ाद हिंद फौज वाला, तो ये आज़ाद हिंद फौज वाला एक करिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद सेना का स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्नल। उसके बाद में बेटा जी एक तो ये हो गया आपका, उसके बाद फोर मार्क का क्वेश्चन एक आपका आना है इकोनॉमिक्स में से और सिविक्स में से। तो पहले हम करते हैं, देखते हैं जो भी आ जाएगा वही कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे अपने पास सिविक्स आ गया, तो सिविक्स का कर लेते हैं, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप वाला, राइट। तो भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप, हाँ जी, भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप में ये क्वेश्चन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, एक हर साल ही कंटिन्यूसली ही आ रहा है, जैसा कि देख रहे हो, कुछ एक दो साल बीच में छुट्टी होनी तो हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन, सबसे पहले क्या होता है कि उम्मीदवार का चयन किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है, तो उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें अपना नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि घोषित कर दी जाती है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो वह निश्चित तिथि तक ऐसा कर सकता है। उसके बाद में चुनाव अभियान, तो निर्वाचन प्रक्रिया का आगामी चरण चुनाव अभियान है, इसके लिए पोस्टर लगाए जाते हैं, सभाएं कर दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में मतदान होता है, क्या होता है कि मतदान में क्या होता है कि हम लोग वोट्स डालते हैं, और उसके बाद में एक इसका लास्ट स्टेप होता है क्या कि मतगणना की जाती है, जो हमने मत दिए हैं उनकी क्या होती है, गिनती होती है, गणना की जाती है। उसके बाद में लोकमत, लोकतंत्र में लोकमत की भूमिका बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी करेंगे आप। उसके बाद है बेटा जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ एवं प्रोग्राम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी है अभी हमारे यहाँ, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। शिरोमणि अकाली दल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में रिपीट होता रहता है। उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां एवं प्रोग्राम, ये कर लीजिए क्वेश्चन, और जनता दल की नीतियां एवं प्रोग्राम, ये कर लीजिए। उसके बाद में एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, लोकतंत्र को सफल बनाने की शर्तें, तो एक तो शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, शिक्षा जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फैलानी चाहिए, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, जो हमारा करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसमें चेंज करना चाहिए, चुनाव प्रणाली में सुधार होना चाहिए, न्याय प्रणाली है ना उसमें भी, और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि समाचार कोई भी जो है छाप सके, कुछ भी सही चीज़ साफ छापे, आर्थिक विकास होना चाहिए, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के हो गए। तो उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बचा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोर मार्क वाला,
वो कौन सा है हमारे पास, इकोनॉमिक्स रहेगी तो इकोनॉमिक्स का कर लेते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक है, भारत में कृषि का विकास चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट करना है, एक तो इसमें क्या क्या, क्यों कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, एक तो ये हमें रोजगार प्रदान करती है, हमारी जीविका कमाने का एक साधन है, राष्ट्रीय आय में इसका बहुत बड़ा योगदान है, 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है, एक रोजगार का साधन है, पहले ही बता दिया, उद्योगों का योगदान है, कई सारे उद्योग जो हैं इसी के कारण पॉसिबल हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका योगदान है। ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्या थी, महत्व इसका था कह लो। उसके बाद में भारत में कृषि के विकास में सरकार के योगदान का वर्णन, तो एक तो इसमें भूमि सुधार करवाया जाना चाहिए, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, काश्तकारी में प्रथा में सुधार होना चाहिए, भूमि की जोतों पर उच्चतम सीमा होनी चाहिए, सहकारी खेती का विकास होना चाहिए, सिंचाई का विस्तार होना चाहिए, ठीक है, वितरण प्रणाली में सुधार होना चाहिए, कृषि अनुसंधान और विकास होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि का विकास होना चाहिए, कृषि विपणन में सुधार होना चाहिए, और साख सुविधाएं जो हैं बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको भी सही किया जाना चाहिए। उसके बाद में हरित क्रांति वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको पक्का आना ही चाहिए। तो हरित क्रांति की सफलता के मुख्य तत्वों का को लिखिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिए आपके सामने ही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का देखना, आपको कल क्वेश्चन पेपर में ही देखने को मिल जाएगा, 100% है, आप बताएंगे मुझे कल आके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं सभी लेसन्स की। अब बेटा जी उसके बाद ना मैंने वो नहीं बताया आपको, हाँ जी, तो अब हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 2 मार्क वाले में क्वेश्चन हमारे पास एक ये 5th चैप्टर से आना है, ज्योग्राफी 5th चैप्टर, भूमि का उपयोग और कृषि विकास। तो उस चैप्टर में देखो 2 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो वो कर लेते हैं हम थोड़े डिस्कस। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं, तो इससे मशीनीकरण हो जाता है और उत्पादन में वृद्धि होती है, जुताई बुवाई और गहाई के लिए मशीनों का प्रयोग होता है, उर्वरक तथा अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि के अंतर्गत किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो उसमें पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वानिकी, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी पालना, मुर्गी पालना, ये सब काम आ जाते हैं, फाइन। उसके बाद में हमारे पास है चालू प्रति एवं पुरानी प्रति भूमि के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो कुछ भूमि ऐसी होती हैं जिसे केवल एक ही वर्ष के लिए खाली छोड़ा जाता है, एक वर्ष के बाद उस पर कृषि की जाती है, ऐसी भूमि को चालू प्रति भूमि कहते हैं, लेकिन जो प्रति भूमि होती है, ठीक है, तो प्रतिभूमि को ओल्ड फैलो लैंड भी कहते हैं, इस पर काफ़ी समय तक कृषि नहीं की जाती है, ओके। उसके बाद में आ सकता है चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो अधिक वर्षा वाले एक क्षेत्र हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं, पश्चिमी बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, संपूर्ण उड़ीसा, और कम वर्षा वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हरियाणा के साथ लगने वाले क्षेत्र, ये सब, ठीक है। उसके बाद वनों के प्रमुख लाभ, वो तो कर लेंगे आप लोग। भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि क्यों कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। भारत में अधिकांश जोतों का आकार छोटा होता है और छोटे छोटे खेतों पर मेहनत तथा पूंजी तो अधिक लगती है, परंतु आर्थिक लाभ बहुत ही कम होता है। छोटे किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पानी, कृषि यंत्र बड़े किसानों से किराए पर लेने पड़ते हैं, उन्हें महंगे उर्वरक भी बाजार से खरीदने पड़ते हैं, इससे उनकी शुद्ध बचत बहुत कम होती है, इसी कारण से भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। हरित क्रांति को कुछ लोग गेहूं क्रांति का नाम क्यों देते हैं, तो इसलिए क्योंकि इसमें गेहूं की कृषि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी 1967-68 में, और ये 20 करोड़ टन तक पहुंच गई थी 10 लाख टन से, इसी कारण इसको गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। कृषि कार्यों के लिए बहुत बढ़ते हुए भूमि उपयोग के क्या कारण हैं, तो इसके कारण क्या है, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, आर्थिक विकास, आबादी के साथ शहरों का निर्माणकरण, शहरीकरण, ये सब कारण है। वनों का महत्व कर लिया है। के बाद में डेयरी उद्योग के लाभ बताएं, तो डेयरी उद्योग के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, सूखा ग्रस्त इलाकों में लोगों को रोजगार मिल जाता है, डेयरी उद्योग से कृषि को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, दूध के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण पौष्टिक तत्वों की वृद्धि होती है, ये सब इसके फायदे हैं। तो दालों के उत्पादन क्षेत्र में गिरावट के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, दालों वाले क्षेत्र को हरित क्रांति के बाद अधिक उत्पादन देने वाले गेहूं तथा चावल जैसी फसलों के अधीन कर दिया गया, और कुछ क्षेत्रों को विकास कार्यों के कारण नहरों, सड़कों तथा अन्य परियोजनाओं के अधीन कर दिया, बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास के लिए बढ़ती हुई भूमि की मांग के कारण भी दालों के उत्पादन क्षेत्र में कमी आई है, ये सब कारण। दालों एवं तिलहन का उत्पादन कभी अभी कम क्यों है,
तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो दालों के उत्पादन में कमी क्यों हुई, इसके लिए क्या लिखेंगे कि मुख्य कारण इसका है कि दाल उत्पादन क्षेत्रों में कमी आना है, सॉरी देश में दालों के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण दाल उत्पादन क्षेत्र में कमी आना है। हरित क्रांति के पश्चात इन क्षेत्रों पर गेहूँ और चावल की फसलें बोई जाने लगी। इसी प्रकार कुछ वर्षों में दालों का क्षेत्रफल 30,000 हेक्टेयर की कमी आ गई है। इसका तिलहन की बात करें तो तिलहन में क्या है कि तिलहन स्थिति दालों के विपरीत है, उल्टा है। तिलहन उत्पादक क्षेत्र में वृद्धि हुई है और तिलहन उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, इसके बावजूद तिलहन की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसका मुख्य कारण यह है कि तिलहनों की मांग 5% हर साल 5% बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पंजाब की कृषि के मुख्य समस्याएं ये भी आ सकता है, वी कैन से दैट इट कैन कम, ठीक है। तो और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, पशुधन में पंजाब का कौन सा स्थान है, ये भी आ सकता है। पशुधन में पंजाब का 13वां स्थान है, बस ये 1 मार्क में है, ये नहीं आ सकता, इतने भी छोटे नहीं आएंगे। हाँ हलवा है लेकिन इतना भी हलवा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 मार्क में आ सकते हैं। उसके बाद में बेटा जी आपके पास 2 मार्क वाले क्वेश्चन आने हैं खनिज पदार्थ और ऊर्जा साधन से, खनिज पदार्थ और ऊर्जा साधन। तो इसमें है आपके पास इस लेसन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2 नंबर में, भारत में मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख राज्यों के नाम, तो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, बिहार राज्य में मैंगनीज का उत्पादन होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी होता है, उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइड उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम, तो ये झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ बॉक्साइड उत्पाद करते हैं, ठीक है। और कोल्हापुर जिले में इसके बहुत बड़े भंडार हैं, उड़ीसा में भी हैं। ये आ गया उत्पादक तांबा, उत्पादक तांबा के क्षेत्रों को भी याद करना है, ठीक है। तांबा भी इम्पोर्टेंट है। तो देश कहाँ पे है, खम्मम कर्नाटक, चित्रदुर्ग और हसन जिले सिक्किम में तांबा बहुत ज़्यादा उत्पाद किया जाता है। उसके बाद में पंजाब में खनिज पदार्थों के नहीं मिलने का कारण, तो पंजाब का अधिकांश भाग नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और हम पंजाब के मैदानों को नवीनतम युग के मिट्टियों के समतल मैदान भी कह सकते हैं। यह मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, खनिज इतिहास के प्राचीन काल में निर्मित अयोग्य या कायंत्रित शैलों वाले भाग में मिलती है, अतः यहाँ की मिट्टी जो है इसमें खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते। कोयला उत्पादन क्षेत्रों के नाम ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सुहागपुर, सिंगरौली, छत्तीसगढ़, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, रानीगंज, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण ये भी कर लीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम, तो इसमें कौन सा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ऊर्जा के लिए वृक्षारोपण, शहरी कचरे किससे प्राप्त ऊर्जा, जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत स्रोत हैं। और पवन ऊर्जा के महत्व भारत में उपयोग बताने हैं, तो पवन ऊर्जा अक्षय है, इसके प्रयोग में खर्चा भी कम बैठता है और दूसरे दूर स्थित मारुस्थली स्थानों पर पवन ऊर्जा के बल पर नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। और भारत में उद्योग इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का काम लिया जाता है, पवन केंद्र बनाकर बिजली प्राप्त की जा रही है ना, ये सब काम है। उसके बाद में खनन उद्योग में भारत सरकार की भूमिका, तो इसमें गौण खनिज को छोड़ सभी खनिजों के दोहन के लाइसेंस के ठेके मिलते हैं और क्या होता है, खनिजों के संरक्षण विकास के लिए पग उठाई जाती है, मतलब ठेका टाइप दिया जाता है, पुराने दिए गए ठेकों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, ये। उसके बाद सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा का स्रोत क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो कोयला वगैरह जो है वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जितने भी मिनरल्स हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि सौर ऊर्जा ही भविष्य की ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस का उर्वरक उद्योग में क्या महत्व है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, रहने दो। उसके बाद में लौह धातु के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का नाम ये आप कर लेना। तो बेटा जी 2 नंबर में तो यही आ सकते हैं, ठीक है। इस लेसन के 2 मार्क इम्पोर्टेंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में हमारे पास आने हैं किस मार्क, उसके बाद 2 मार्क वाले आने आपके इकोनॉमिक्स में आना है, भारत में औद्योगिक विकास वाले चैप्टर से उसमें चलते हैं। तो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए भारत में औद्योगिक विकास, इसमें आपके लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है, तो लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें 3 करोड़ तक बंधी पूंजी का निवेश हुआ हो, और लघु उद्योगों की एक समस्या पर प्रकाश डालिए, तो कच्चे माल और शक्ति की समस्या, ये कुटीर, ये देखो ये 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुटीर उद्योगों से क्या अभिप्राय है, तो कुटीर उद्योग वो पर
वो उनका मतलब क्या है कि उस उद्योग से है जिसमें एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे पूर्णतः आंशिक रूप से चलाया जाता है। तो कुटीर उद्योग कौन सा होता है, जैसे मान लो कोई एक फैमिली है वो कोई बिजनेस चला रही है एक ही छत के नीचे, मतलब सब मिल के चला रहे हैं, वो कुटीर उद्योग है। आधारभूत उद्योगों के कोई उदाहरण लोहा व इस्पात सीमेंट उद्योग, ये सब आधारभूत है। भारत में तीव्र उद्योगीकरण की आवश्यकता के कोई दो महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन, तो तीव्र औद्योगिकरण द्वारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, ये इसका क्या है, तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये बन सकता है। और बाय द वे 2 मार्क में नहीं, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा, तो 2 मार्क में आपके हो सकते हैं, कैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र विकास क्या है, एक मिनट, बड़े उद्योगों के महत्व की विवेचना करें, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्या के समाधान के लिए सुझाव, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी जरूरी है, भारत के तीव्र तथा संतुलित उद्योगीकरण की आवश्यकता के कारणों का वर्णन, तो इसमें क्या है, उद्योगों के विकास से राष्ट्रीय आय में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई, जो ऊपर हम डिस्कस करके आए वही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ, ये भी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन आना है, हिस्ट्री में आने हैं 2 लेसन में से, सॉरी हिस्ट्री में आना है 1 लेसन से, अंग्रेज और सिखों का युद्ध। तो चलते हैं अंग्रेज और सिखों के युद्ध चैप्टर पर, ये लीजिए इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है, इसमें आ सकता है कि लाहौर की दूसरी संधि की धाराएं क्या थी, तो इसमें क्या क्या थी दूसरी संधि की, कि लाहौर का किला और नगर अंग्रेजी सेना के अधिकार में रहेंगे, ब्रिटिश सरकार महाराजा दलीप सिंह और नगर वासियों की रक्षा के लिए लाहौर में बड़ी संख्या में सेना रखेगी, यह सेना 1846 तक वहां रहेगी, लाहौर सरकार 9 मार्च 1846 की संधि द्वारा अंग्रेजों को दिए गए क्षेत्रों के जागीरदारों तथा अधिकारियों का सम्मान करेगी। तो ये 2-3 पॉइंट लिखने को आपको आ सकता है 2 नंबर में, पूरा नहीं लिखना होगा। उसके बाद भैरोवाल की संधि क्यों की गई, ये इंपॉर्टेंट है, तो भैरोवाल की संधि क्यों की गई थी, भैरोवाल की संधि की, देखो संधि के अनुसार महाराजा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाहौर में 1 वर्ष के लिए अंग्रेज सेना रखी गई थी, अवधि समाप्त होने पर, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, हाँ रखी गई थी, अवधि समाप्त होने पर लॉर्ड हार्डिंग ने इस सेना को वहाँ स्थायी रूप से रखने की योजना बनाई, परंतु महाराणा जिंदा को यह बात अच्छी नहीं लगी, मानी नहीं उन्होंने, इसलिए 15 दिसंबर 1846 को लाहौर दरबार के मंत्रियों और सरदारों की एक विशेष सभा बुलाई गई। इस सभा में गवर्नर जनरल की केवल 19 शर्तों का उल्लेख किया गया जिनके आधार पर सिख 1846 ईस्वी के बाद लाहौर में अंग्रेजी सेना रखने के लिए सहमत हुए थे। इस प्रकार महारानी जिंदा तथा प्रमुख सिख सरदारों ने 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, एक हो गया भैरोवाल की संधि की 4 धाराएं, तो 4 धाराएं हैं, अगर 2 नंबर में आता है तो ये भी आ सकता है। इसमें क्या थी 4 धाराएं, महारानी जिंदा स्वयं राजप्रधान से अलग कर दिया गया, उसे 1.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई, काउंसिल ऑफ रेजेंसी ब्रिटिश रेजिडेंसी के परामर्श से प्रशासन का कार्य करेगी, और महाराजा दलीप सिंह के बालिग होने तक राज्य का शासन प्रबंध 8 सरदारों की काउंसिल ऑफ रेजेंसी चलाएगी, लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगी जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा। भैरोवाल की संधि का महत्व क्या था, कि इस संधि के द्वारा पंजाब के स्वामी बन गए थे अंग्रेज, और उनका प्रशासन जो था वो लाहौर राज्य के प्रशासन जो था वो ब्रिटिशों के पास चला गया था। इस संधि के द्वारा महारानी जिंदा को राजभवन से अलग कर दिया गया, उन्हें शेखुपुरा भेज दिया गया पहले, फिर बाद में उन्हें देश निकाल देकर बनारस भेज दिया गया था। उसके बाद भैरोवाल की संधि के पश्चात महारानी जिंदा के साथ कैसा व्यवहार किया गया, तो जैसा कि अभी बताया ऊपर कि 1.5 लाख पेंशन दे दी गई, पहले उनको शेखुपुरा भेजा फिर बनारस भेज दिया, ऐसे ऐसा काम किया था। महाराज दलीप सिंह के बारे में क्या जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। तो महाराज दलीप सिंह पंजाब का अंतिम सिख साक्षर था, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय तक नाबालिग था, 1846 ईस्वी की भैरोवाल की संधि के अनुसार लाहौर राज्य के शासन प्रबंध के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की गई थी, और उनके बालिग होने तक जो राजप्रबंध था वो महाराजा का जो राजप्रबंध था वो अंग्रेजों के पास था, दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के पराजित हो गए और परिणाम स्वरूप महाराजा दलीप सिंह की राजगद्दी से उतार दिया गया और उसकी 4-5 लाख रुपए के बीच पेंशन कर दी गई और पंजाब अंग्रेज साम्राज्य का अंग बन गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2 नंबर में। उसके बाद में बेटा जी आपका एक लास्ट चैप्टर है भारत की विदेश नीति, तो भारत की विदेश नीति से भी आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो ये रहा आपका भारत की विदेश नीति, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखते हैं। एक तो इसमें आएगा भारत की विदेश नीति के 2 मूल सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्या हैं इसके मूल सिद्धांत, एक तो पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास, संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण विश्वास, साम्राज्यवाद और निषेधवाद का विरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पंचशील से क्या अभिप्राय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी डबल इंपॉर्टेंट। अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने जो 5 सिद्धांत स्वीकार किए उन्हें सामूहिक रूप से पंचशील कहते हैं। गुट निरपेक्ष की नीति से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गुट निरपेक्ष की नीति से सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति है। उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के नाम कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और फ्रांस, ये हैं। उसके बाद में भारत की परमाणु नीति क्या है, तो भारत की परमाणु नीति का आधार रचनात्मक कार्यों और शांतिपूर्ण देशों की प्राप्ति के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करना है। और सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य कितने हैं, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदन होते हैं, याद रखना, मिक्स मत करना। संयुक्त राष्ट्र का जन्म कब हुआ और कितने देश इसके मूल सदस्य थे, तो संयुक्त राष्ट्र का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसके मूल 51 देश थे। ओके, ये हो सकता। उसके बाद में बेटा जी आ सकता है आपके पास में पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ और भारत का इससे अपनाने का क्या कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है ये क्वेश्चन। भारत और चीन के संबंधों के बिगड़ने का मूल कारण बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए 2 मार्क वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हमारे द्वारा। अब आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में एक तो जनसंख्या में से आना है, जनसंख्या चैप्टर, तो जनसंख्या चैप्टर अपने पास है मे बी, मेरे पास तो 5th चैप्टर है जनसंख्या, क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं तो ये 10th चैप्टर होगा मेरे पास, 10th है तो 10th भी नहीं है, 9th होगा फिर क्या हो रहा है, 10th 9th पता नहीं क्या हो जा रहा है, बार बार बोलोगे सर जी आप कभी 10th बोलते हो, 9th बोलते हो, कर क्या रहे हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, अब आपका कहाँ गया भाई जनसंख्या चैप्टर, गायब हो गया यार जनसंख्या, है नहीं क्या, लगता बुक नहीं उड़ा दिया, जनसंख्या खा गई बुक, जनसंख्या चैप्टर ये रहा, मिल गया, टेंशन नॉट। हाँ जी, ये जनसंख्या चैप्टर आ गया अपने पास, ये देखिए ये जनसंख्या। तो देखो जनसंख्या में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी देश का सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसका आंसर, बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ नागरिक, एक तो दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी किसी देश का जो संसाधन बहुमूल्य संसाधन यही होता। मानव संसाधन विकास का कार्य तत्पर, तो क्या क्या है, तो शिक्षा, तकनीकी कुशलता और स्वास्थ्य पोषण, ये क्या है संसाधन विकास के तात्पर्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अकबर की मृत्यु के समय भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी, तो उस टाइम पे भारत की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। आज़ादी से पहले देश की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या हुए, महामारियां, लड़ाई, अकाल के कारण मृत्यु दर में वृद्धि, ये सब कारण थे। उसके बाद में वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, उस टाइम पे भारत की जनसंख्या 1901 में 23.8 करोड़ थी। जनसंख्या वर्ष 1921 और 51 को जनसंख्या विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष के पश्चात जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, दूसरा स्थान है, सबको पता होगा। भारत के कितने राज्यों की जनसंख्या 5 करोड़ है, 10 राज्यों की जो जनसंख्या 5 करोड़ से ज़्यादा है। देश के सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, सिक्किम और बोलो भाई, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। पंजाब की जनसंख्या 2001 में कितनी थी और जनसंख्या की दृष्टि से पंजाब का राज्य में कौन स्थान है, 2001 में वहाँ की जनसंख्या 2.4 करोड़ थी और जनसंख्या की दृष्टि से पंजाब का भारत में 15वां स्थान है। पंजाब में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 2.3%, और उत्तर प्रदेश की तुलना में सिक्किम की जनसंख्या कितने गुना कम है, 374 गुना कम है, देखो अंदाज़ा लगाओ कितनी ज़्यादा। हिमालयी पर्वत भाग में देश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत रहता है, 3% जनसंख्या पहाड़ी इलाकों में रहती है। 1 लाख की आबादी से अधिक भारत में कितने शहर है, 300। मैदानी भागों में देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40%। देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, सबसे ज़्यादा 71%, 71%। उसके बाद में है भारत में कुल शहरी आबादी कितनी है, तो शहरी आबादी कितनी है किसी को पता है, 42 करोड़ है। देश में प्राथमिक उद्योग कितने प्रतिशत कार्यरत हैं, तो 11.96% श्रमिक कार्यरत हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 40.1% है। उसके बाद में है अपने पास देश में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 342 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश के सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देश राज्य के नाम तो वो कौन कौन से हैं? बिहार सबसे क्या है, सबसे अधिक, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। पंजाब में जनसंख्या घनत्व 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है, किसका है? तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। आयु संरचना को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? जन्मता, मर्त्यता और प्रवास, इन सब चीज़ों से आयु संरचना होती है। देश में 0 से 14 आयु वर्ग में कितने प्रतिशत हैं? 37.2%। देश में 15 से 65 वाले कितने हैं? 58.4। देश की जनसंख्या मतदाताओं का कितना प्रतिशत है? 60। लिंग अनुपात क्या है? पुरुषों 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। 2001 में देश की जनसंख्या का अनुपात कितना था? 1000:933। और 2011 के अनुसार कितना था? 1000:944। देश के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात तेजी से क्यों घट रहा है? स्त्रियों का निम्न दर्जा, जनगणना के समय स्त्रियों की अपेक्षा कम गणना करना, लड़कियों की जन्मदर कम होना, स्त्री भ्रूण हत्या। देश के सिख समुदाय में लिंग अनुपात कितना है? 1000:888। आर्थिक सुधार भारत की जनसंख्या को किन दो भागों में बांटा जाता है? श्रमिक जनसंख्या में, अश्रमिक जनसंख्या में, दो में। भारत में मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है? वे श्रमिक जिन्हें पिछले 6 वर्ष से अधिक किसी आर्थिक क्रिया में काम किया है, किसी भी आर्थिक मतलब पैसे मिलने वाले काम में काम किया है, तो उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और मुख्य श्रमिक का प्रतिशत कितना है? 37.50%। किस राज्य में मुख्य श्रमिक का प्रतिशत सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो बेटा जी, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क वाले, किस चैप्टर से? जनसंख्या से। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से। भारत में औद्योगिक विकास में से आना है एक क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक विकास, तो भारत में। उसके बाद हमारे पास ये बंदा सिंह बहादुर वाला चैप्टर है, इसमें से हमारे पास जो है 1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं। तो देखिए, हुक्मनामे में गुरु गोविंद जी ने पंजाब के सिखों को क्या आदेश दिया? तो बंदा बहादुर उनका राजनीतिक नेता होगा तथा वे मुगलों के विरुद्ध धर्मयुद्ध में बंदे का साथ देंगे। तो ये था हुक्मनामा। बंदा बहादुर दक्षिण से पंजाब की तरफ क्यों आया? मुगलों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए। समाना पर बंदा बहादुर ने आक्रमण क्यों किया? तो बंदा बहादुर ने सिख गुरुओं पर अत्याचार करने वाले जल्लादों को दंड देने के लिए समाना पर आक्रमण किया। बंदा बहादुर की तरफ से भूणा गांव पर आक्रमण करने का क्या कारण था? तो अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन प्राप्त करने के लिए उसने उस पर भूणा गांव पर आक्रमण किया। बंदा बहादुर ने सढौरा पर क्यों आक्रमण किया? तो सढौरा के अत्याचारी शासक उस्मान खां को दंड देने के लिए। बंदा बहादुर ने चप्पड़चिड़ी तथा सरहिंद पर क्यों आक्रमण किया? सरहिंद के अत्याचारी सूबेदार वजीर खान को दंड देने के लिए। राहों के युद्ध के क्या कारण थे? जालंधर दुआबे के सिखों ने वहां के फौजदार शम्स खां के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे, इसलिए ऐसा हुआ था। वजीर खां कहां का सूबेदार था? तो वो वजीर खान जो था सरहिंद का सूबेदार था, और उसका बंदा बहादुर के साथ में चप्पड़चिड़ी के स्थान पर जो है युद्ध हुआ था। बंदा बहादुर की शहादत के बारे में लिखिए। तो बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी को उसके साथियों सहित दिल्ली में शहीद कर दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये। भंगी मिसल के सरदारों के अधीन कौन से इलाके थे? तो भंगी मिसल के सरदारों के अधीन लाहौर, अमृतसर, गुजरात तथा सियालकोट इलाके थे। आलूवालिया मिसल के संस्थापक तथा इसके इलाके की जानकारी। तो आलूवालिया मिसल का संस्थापक जस्सा सिंह आलूवालिया था, जिसके अधीन सुल्तानपुर लोधी और कपूरथला, होशियारपुर, नूरमहल आदि प्रदेश थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ सिंह मिसल का नाम कैसे पड़ा? तो करोड़ सिंह मिसल का नाम इसके संस्थापक करोड़ सिंह के नाम पर पड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सदाकौर कौन थी? तो सदाकौर महाराजा रणजीत सिंह की सास थी। तो बेटा जी, इसके बाद ये हो गया हमारे किससे, बंदा सिंह बहादुर वाले चैप्टर। उसके बाद राज्य सरकार चैप्टर से 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये अपने पास राज्य सरकार चैप्टर आ गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। सदस्य बनने के राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी लाभप्रद पद पर ना हो, ठीक है। उसके बाद इसके कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं राज्य विधानसभा में? तो इसमें सदस्य की संख्या की अगर बात की जाए तो मूल संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम कितने सदस्य? 40 सदस्य हो सकते हैं। साधारण विधेयक
के चरण। तो साधारण विधेयक के चरण जो है विधानसभा में कौन कौन से हैं, प्रस्तुति और परिचय, विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहस होती है, उसके विधेयक पर मतदान किया जाता है, फिर विधेयक जो है दूसरे सदन में भेजा जाता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से करते हैं। उसके बाद राज्य की विधान परिषद के बारे में, तो राज्य विधान परिषद में सदस्य की संख्या की बात करें अगर, तो एक तिहाई सदस्यों की संख्या होती है। राज्य विधानसभा के एक तिहाई सदस्यों की संख्या होती है और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु 30 वर्ष हो, में सभी योग्यताएँ होनी चाहिए जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं। विधान परिषद का चुनाव, परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य विधानसभा द्वारा, एक तिहाई सदस्य नगर पालिकाओं तथा परिषदों के सदस्यों द्वारा, कुल सदस्यों का 12वां भाग स्नातकों द्वारा, एक अन्य भाग 12वां भाग माध्यमिक स्कूलों कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा चुना जाता है, तथा इसके एक 1/6 पार्ट जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आजकल किन किन राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। राज्य विधानमंडल की शक्ति का वर्णन, तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कर लगा सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, किसी बिल में बजट पास कर सकते हैं, राज्य सूची और समवर्ति सूची दोनों में विषय बना कानून बना सकते हैं, सदन की मर्यादा भंग करने वाले को दंड दे सकते हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, वो उस समय क्या होता है, राज्य का वास्तविक कार्याध्यक्ष बन जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्ष तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, उसने 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो। उसके बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, इनकी संख्या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, जितने चाहे कर सकता है। लोक अदालतें क्या होती हैं, लोग निर्धन और शोषित लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कुछ समय पूर्व देश में लोक अदालतें स्थापित की गई। 6 अक्टूबर 1985 को पहली लोक अदालत दिल्ली में बैठी थी, इसमें 150 दुर्घटना संबंधी वादों को निपटाया गया। उसके बाद में आपके पास में मैप, एक तो हिस्ट्री में है, फिर हिस्ट्री में गुरु गोविंद सिंह जी वाले लेसन में बंदा बहादुर और अंग्रेज और सिखों का युद्ध, इन 3 चैप्टरों में से आपको एक एक नंबर वाला मैप आएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने मैप्स होंगे, ये तो आपको पेपर पैटर्न में देख लिया होगा आपने पहले, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। इसमें आपको चॉइस आएंगी मैप्स में, ठीक है, मे बी आपको 6 करने होंगे, हाँ 8 में से 6 मैप आपको फिल करने होंगे, ओके, तो ये आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद में आपको बेटा जी दो नंबर वाले जो क्वेश्चन है, दो नंबर वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आप अपना जो आपको चैप्टर बताया जिस नंबर से दो दो मार्क्स के आने हैं, तो 2 मार्क और 1 मार्क उसमें आप वेरी शॉर्ट ही कर लीजिए, इट विल बी सफिशिएंट, ओके। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लीजिए, इतना कर लीजिए, आपका जो कल पेपर है बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल का एग्ज़ाम फोड़ के आना और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना, अपना बेस्ट करना, अपना बेस्ट देना पेपर में, मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। तो मिलेंगे हम मैथ के पेपर से पहले, ठीक है, मैथ के पेपर से पहले मैं आपको आपके लिए एक अच्छा सा लेक्चर तैयार करूंगा, और हो सकेगा तो हर तरह के क्वेश्चन उसमें कवर करवाऊंगा, 2 मार्क वाले 4 मार्क वाले 3 मार्क वाले जो भी आपका पैटर्न होगा उसके रिगार्डिंग हम जो है उसके पेपर की तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं मैथ की वीडियो में, ठीक है, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम फोड़ के आना, बाय बाय।